अब हम आगे देखेंगे ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। तो ट्रांसपीरेशन हैज अ मोर देन वन पर्पस, ओके। तब वो कौन कौन से है वो देखेंगे। तो क्या करता है वो, एक क्रिएट्स ट्रांसपीरेशन पूल, वो एक प्रकार का किचन प्रोड्यूस करता है जो हमने ट्रांसपीरेशन में देखा था। फिर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को सप्लाई करता है। फिर जो मिनरल्स और वाटर सॉइल में से आता है उसे क्या करता है, प्लांट के हर एक प्लांट के तक ट्रांसपोर्ट करता है उसको। और इवापोरेशन होगा जब, तब वो क्या करेगा, लीफ की जो सरफेस होता है उसे कूल करता है। कितने डिग्री तक, तो 10 to 15 degrees तक, ओके। और क्या करता है, सेल को टर्जिड होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट के शेप और स्ट्रक्चर को वो मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि वो क्या हेल्प करता है। तो क्रिएट्स ट्रांसपीरेशन पूल, फिर फोटोसिंथेसिस में, फिर जो मिनरल्स होते हैं उसको प्लांट के पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीफ की सरफेस को कूल करते हैं 10 to 15 degrees तक, और शेप प्लांट के शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो अब आगे देखते हैं हम। तो आप सबको मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर बहुत कम यूज होता है, 1% से भी कम यूज होता है। अभी हमने आगे के वीडियो में देखा था कि प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में 1% से भी लेस अमाउंट में वाटर को यूज करता है, और ट्रांसपीरेशन में वाटर ज्यादा यूज होता है। तो आपको पता होगा कि फॉरेस्ट में क्या होता है, जो सॉइल में से वाटर आएगा, फिर स्टेम में होकर फिर लीफ में जाएगा, और फिर उसका वहां से ट्रांसपीरेशन से लॉस्ट होगा, ओके। और फिर वो क्या कहां पे जाएगा, तो उसके क्लाउड बनेंगे, और फिर रेन होगा, और फिर से सॉइल में से वाटर आएगा। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, ऑलमोस्ट ह्यूमिडिटी वाला एटमोसफियर बना रहता है, इसकी वजह से, क्योंकि ये साइकिल वहां पे कंटिन्यू रहते हैं। ज्यादा ग्रीन लीफ वाले वहां पे प्लांट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी ज्यादा बनी रहती होती है। और अब हमें यहाँ पे एक C4 प्लांट और C3 प्लांट्स के बारे में देखना है। तो C4 प्लांट्स में क्या होता है, तो जो C4 प्लांट्स है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहती है। इसकी वजह से क्या होगा, वो CO2 को ज्यादा यूज करेगा और वाटर के लॉस को कम करेगा, ओके। और C3 प्लांट में क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम यूज करेगा और वाटर लॉस ज्यादा करेगा। तो आपको यहाँ पे C4 प्लांट्स में क्या क्या आता है वो याद रखना है। तो मेज के जो प्लांट होते हैं, वो शुगर केन के जो प्लांट, वो सब क्या होता है, C4 प्लांट्स होते हैं। और C3 प्लांट में क्या होता है, तो उसमें ये पोटेटो के, फिर ये वीट, ये सब C3 प्लांट है, जिसमें फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज होता है और वाटर लॉस ज्यादा होता है, ओके। तो ये आपको डिफरेंट C4 और C3 प्लांट का थोड़ा याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे आपको बस यही चीज पूरे ध्यान से लगानी है कि उसके पर्पस कौन कौन से थे वो, और ये C4 और C3 प्लांट वाला ज्यादा याद रखना है। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि C4 में क्या होगा, तो C4 जो प्लांट होते हैं उसमें वो फोटोसिंथेसिस में CO2 को ज्यादा यूज करता है, और इसकी वजह से क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा वहां पे। और यहाँ पे क्या होगा, C3 में वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 को कम यूज करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर का लॉस ज्यादा होगा, ओके। तो आपको इतना क्लियर है इसके बारे में, ओके फ्रेंड, चलो बाय, टेक केयर।